हम लोग जिस स्थान पर पहुंचे हैं ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम वेर यू आर नाउ दिस प्लेस इज नोन एज दुर्वासा आश्रम। ये स्थान सतयुग से है, केवल द्वापर या त्रेता युग से ही नहीं, दिस प्लेस इज फ्रॉम सत्ययुग, वेरी एंशियंट एंड वेरी एंशियंट। आप लोग जानते हैं, आई विल स्पीक इन हिंदी एंड प्रेम प्रयोजन विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश, अदरवाइज आई विल बी टायर्ड। तो ये स्थान सतयुग से है। दुर्वासा ऋषि का जन्म चित्रकूट में हुआ, ही वॉज बर्न इन चित्रकूट। कैसे जन्म उनका भी एक इतिहास है। दुर्वासा जी के पिताजी का नाम अत्र ऋषि है और उनकी पत्नी विश्व विख्यात अनुसुईया जी हैं, जो अपने सतीत्व से लक्ष्मी सरस्वती सबको स्तंभित कर दिया। अपने सतीत्व से इतनी प्रसिद्ध थी, यदि चाहती तो सूर्य को उगना बंद कर दे। शी वाज सो चेस्ट लेडी दैट बाय हिज टॉरिटीज शी हैज पावर टू स्टॉप सन टू राइज, वाज सो पावरफुल। उनके सतीत्व का विश्व में घोषणा हो गई, इनसे बढ़कर के अब विश्व में कोई पतिव्रता नारी नहीं है। वो भूत भविष्य वर्तमान सबको जान लेती थी और जिसको जो वर देती थी वो सफल हो जाता। नारद जी एक दिन बिना लेते हुए बजाते हुए वैकुंठ में पधारे। तिवासो चेस्ट लेडी सिवासो पावरफुल that even any boon she can give to anyone and it will successful. If any man has no son or daughter, oh, she will tell easily that, oh, you may have one child at once. She can stop sun from rising. So powerful. One day, Narad went to Vaikunth and he was singing the glories of Narayan in Vaikuntha. At once, Lakshmi met. जब वो बिना बजाते हुए वैकुंठ में पहुंचे तो लक्ष्मी जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी नारायण की क्या कीर्तन कर रहे थे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी जी के पास में गए और थोड़ी देर में अपने बीना रोक दी और बोले, मैं तो समझता था कि लक्ष्मी जी से बढ़कर के जगत में कोई पतिव्रता नहीं है, किंतु आज तो अनुसुईया जी की धूम मच रही है, बहुत पतिव्रता है लक्ष्मी जी से, पार्वती जी से और सरस्वती ब्रह्मा की स्त्री से भी ये पतिव्रता अधिक है।
He told that, oh, I was thinking that you are most chestnut in the whole Tribhuvan, in three worlds. I always used to glorify Parvati, Lakshmi, and Gayatri, or Saraswati. But now I am seeing that everywhere, in whole world, everywhere I am seeing that the glories of Anusuya for chest ladies, everywhere. So I come to you, मैं आपके पास में आया कहने के लिए. आप लोगों को अब कुछ नहीं, आज तो सब अनुसुईया जी की महिमा का गान कर रहे हैं. इतने में लक्ष्मी जी की सखी पार्वती जी आ गई और ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती भी आ गई. तीनों ने सुना, ये तीन ही तो पतिव्रता नारी थी, एक लक्ष्मी, एक पार्वती शंकर जी की स्त्री और तीसरी ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती. किंतु आज तीनों को कोई कुछ नहीं रहा है, केवल अनुसुईया जी की बात चल रही है, वही श्रेष्ठ है. He told that. At first we will you to know that there are three chaste ladies in whole world, famous. Lakshmi, Parvati, the wife of Shankar, and Saraswati, the wife of Brahma. Saraswati. Huh? Oh, Saraswati. But now, anyone, all you to glorify only Anusuya, not anyone. At once they became, they had some envy to, because ladies cannot see that anyone should be better than any, to him. To her. Say about at once their mouth was face was doomed. And what to do now? If husband anyhow jokes with another lady, and by chance his wife he will see, at once she will be very jealous. And she will be very angry. Sometimes she may die. She may chastise his husband. If she is old, no harm, but she will be like that. No harm. If his husband is with any other lady, young lady, what harm to her? But they cannot tolerate this. This is the mood of ladies. So, they became so jealous. अब वह तीनों के भीतर में अनुसुईया के प्रति डाह हो गया और उनको नीचे दिखलाने के लिए चेष्टा करने लगी, कैसे इनको नीचे दिखाएं, और उसका चेष्टपन दूर कर दिया गया. दे वर थिंकिंग एनीथिंग दैट दे कैन डिफीट अनुसुईया एंड अनुसुईया शुड बी declared everywhere that she is not chest lady. Like you know, for Haridas Thakur, a prostitute was sent only to what? Discredit. So, the discredit I do him, Anusuya, they began to make any such freak or anything. अंत में उन लोगों ने अपने अपने पतियों के यहाँ जाकर के खाना पीना छोड़ दिया और उठ गई. दे वेरी एंग्री टू देयर हस्बैंड एंड दे स्टॉप देयर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग एंड ऑल्सो गुड क्लोथिंग क्लॉथ दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे बिकेम वेरी डोम. Their husbands came and told her, why this? ऐसा क्यों तुम लोग ऐसे कोप भवन में गई हुई है क्यों? उन्होंने कहा कि हम इसको सह नहीं सकती हैं कि हमसे भी बढ़ करके वो पतिव्रता अनुसुईया जी हैं, इसलिए तुम लोग जाओ
और किसी प्रकार से उनके पार्थिव भक्त धर्म को नष्ट कर दो। Told their husband and requested that you should go and you are so powerful. You should defend anyhow. That she is not justly. Anyhow, you can cheat them. So you should go and cheat her. Like Ramchandra sent that prostitute to her daughter. उसी प्रकार से इन लोगों ने भेजा अपने पतियों। पतियों ने कहा कि भाई नारद जी बड़ा झगड़ा लगाने वाला है, वो झगड़ा लगा गया, न जाने क्या होगा। उन्होंने बहुत समझाया, वो बात ठीक है, अनुसुईया जी बहुत अच्छी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, तुम लोग उसे छेड़छाड़ मत करो। किंतु उन लोगों ने माना नहीं, अपने पतियों से जबरदस्ती करके उनको भेजा। ब्रह्मा शंकर एंड विष्णु दे वांटेड टू पैसिफाई देयर वाइफ्स दैट डोंट मेक एनी एनीथिंग डिस्टर्बेंस क्वारम अगेंस्ट अनसुईया, अदरवाइज दे विल बी डिफीटेड। बट दे वर वेरी स्ट्रांग दैट यू शुड गो एंड चीट हर एंड सी दैट दे आर सी इज नॉट चेस्टली। ब्रह्मा विष्णु और महेश वहां पर गए और जाने के बाद में उन्होंने बड़ा सुंदर बालक का रूप कुछ ऐसे बना करके भिखारी के वेश में गए। दे वेंट इन द शेप ऑफ बेगर्स, वहां पर गए और कहा जे भिक्षांग देही भिक्षांग देही, भिक्षा दीजिए, कुछ भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी अपने घर में थी, अपने कुटी में, और अंतरी ऋषि चित्रकूट में और जगह में कई निर्जन स्थान में तपस्या कर रहे थे। ते चेंज देयर शेप्स विष्णु ब्रह्मा विष्णु और महेश एंड दे वेंट टू द कॉटेज ऑफ अनसुईया। एट दैट टाइम अत्री वाज डूइंग वेरी रिजल्ट strong authorities in any hill or anywhere. We have done Chitrakoot and we have seen where all these places, very beautiful places. वहां पर गई और जाकर के they told that we want something. You should give me some alms. दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा जी फल फूल ले आकर के आई और कहा जैसे आप लोग अतिथि हमारे हैं, आप लोग इसको स्वीकार करें। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं, तुम लोग यदि तुम नंगी हो करके बिल्कुल नंगी और हमको भिक्षा दो तो लेंगे। When they were praying for some alms, then Anusuya came at once with some fruits. At that time, they told, We cannot accept this. Please, you should be naked and then give anything we will take. Otherwise, we will not take. And we are going, and if you are not giving by naked, then we will give you cause. हम लोग तुम्हें अभी शंपात दे देंगे। वो भी तो कम नहीं थी। उन्होंने कहा जे थोड़ी देर ठहर जाओ, हम अपने पति के पास में जाकर के आदेश लेकर के सब करेंगे। वो अपने पति के पास में गई और उनसे कहा, उनकी तपस्या में थोड़ी सी विघ्न हुई, उन्होंने ध्यान खोला और अनसुईया जी उनसे ये सब बातें कही कि हमारे घर में तीन अतिथि आए हैं, ब्राह्मण ऋषि लोग हैं और वो हमसे भिक्षा मांग रहे हैं। मैं फल फूल दिया किंतु उन्होंने इनकार किया। वो कहते हैं कि नंगी होकर के भिक्षा दो, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा जी ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। When Anusuya went to his husband and told that fact that they want something,
but in my naked stage. At once, Atri. Samadhi mein, in trance he saw that there are none but Brahma, Vishnu and Mahesh. They have come to taste you. So don't be worried. And you can give them alms. No problem. Naked, in his naked state. No harm. Because they are master of whole universe. Brahma, Vishnu and Mahesh. Creator, operator and destroyer. So you should give no harm in naked. If you are naked or covered with cloth, oh, they know and they are everywhere in your body. Vishnu is everywhere, Brahma is also, and this body is of only mud, five elements. So we should be. Oh, I wanted to have this permission. And she quickly returned. वो वहाँ पर लौट गई और उन्होंने ऋषियों से कहा अच्छा मैं भिक्षा देना चाहती हूँ अभी. But he told that advance you should be a boy of only one day. You should be naked and you should be kyaan like newborn child. So you should be newborn child as if you have taken birth just now. And you will have no sense of this world. At once they became Brahma, Vishnu, Mahesh, three babies. As if they had taken birth just now. अभी भी उनका जन्म हुआ ऐसे वो तीनों बच्चे हो गए और उनके पलंग पर अरुण क्या क्या कर रहे हैं. अरुण ने उनको उठाया अपने स्तन से दूध पिलाने लगी लंगी होकर के. इफ ए मदर बिकम्स नेकेड एंड जस्ट टूडे सी हैज बर्न ए बेबी गिवन बर्थ व्हाट हॉर्म बिकॉज दे हैव नो सेंस एट ऑल. सो सी टूक ऑल थ्री बेबीज and began to give her breast being naked, no harm. And she told that you should be like this forever. you should not be gradually, bigger. आप लोग जैसे के तैसे रह जाए, बड़े ही नहीं हो, बस एक दिन के शिशु के समान बने रह जाए. अब वो लोग शिशु हो गए और उनकी गोदी में खेलने लगे और वो दूध पिलाती और पिला करके छोड़ करके अपना भजन भी करती. और जब पिलाती तो नंगी होकर के, वो तो एक दिन के लिए मंगा था, बस एक दिन पिला करके फिर अपने कपड़े धारण करके अपना काम करती. और उनके पति आकर के देखे अरे ये ब्रह्मा और विष्णु और महेश ऐसे इनके बच्चे हुए पड़े हैं, बड़े प्रसन्न हुए. अब इनको जल्दी से मत छोड़ना ब्रह्मा. देन Anushaya told that you should be baby as you are of one day age. You should not be bigger and bigger. And she used to be milk then. One day Atri Rishi came and he became so happy that Brahma, Vishnu and Mahesh are three babies in my home. And he did, oh, Vishnu, oh, now you are my child, my son, and Brahma you also sign, and this Vishnu also, three did. Demigods are now. She kept name of Vishnu in child. What name? Dattatreya. Your name is Dattatreya. Both Anusuya and Atri both came. And in a good day, they did name Sanskar. And this Sanskar kept Choti. And Vishnu was called Dattatreya. Brahma, Chandra, moon. And Shankar,
Durvasa. So Durvasa is actually Shankar. So Shankar is so the deity of destroyer, so she is always Durvasa in anger mood here and there. After some time, Narad went to Vaikuntha. Lakshmi, Parvati and Saraswati was searching their husbands. Where our husbands and God? I never returned. They asked Narad, do you know where our husbands? He told that, you have requested them to go to Anasuya. And Anasuya has made them orphan child. And they are taking breast of his mother. Both have become son of. And they will only be age of one day. Never be. So she has captured them. उन्होंने कहा तो फिर क्या उपाय है ये अपने पतियों को हम पाए. उन्होंने कहा तुम लोग अपनी कर्मी का फल भोगो. They requested and wanted suggestion how we can return our husbands. He told that what you have done, the fruit is here. I told your husbands told you that don't examine, otherwise some problem may come. Now this problem is here. Ab to नारद जी ने कहा एक उपाय है, तुम लोग जाओ भिखारी का वेश बनाकर और उनसे कुछ मांगो और अपने पतियों को मांगो दान में, तब वो कृपा करके यदि देंगी तो हो सकता है. नाउ एडवाइस देम यू शुड गो इन ए शेप ऑफ एनी सी बेगर एंड यू शुड गो अनसुईया and pray that your husband should be returned. And if she will be pleased, she can be. Otherwise, there is no any way to find her. कोई दूसरा उपाय नहीं है. इन लोगों ने ब्राह्मणी का भिखारणी का ये अपना अपना रूप बनाया और वेश बदल करके भिखारणी होकर के चित्रकूट में अनसुईया जी के दरवाजे में पहुंची और उन्होंने कहा मैया हमें कुछ भिक्षा दो. देन लक्ष्मी पार्वती एंड सरस्वती दे चेंज देयर फेसेस दे बिकेम ब्राह्मणी ओल्ड ब्राह्मणी एंड दे वेंट टू द भजन कुटी ऑफ अनसुईया एंड अत्री एंड बिगन टू आस्क माय मदर we want something from you. Please give us. Then Anasuya told. Anasuya ne kaha, kya chahti ho? Aap log hai kaun? Who are you? And why you have come? Aap log hai kaun? Kis liye aayi hai? Unhone kaha, hum aapki putra vadhu hai. We are your daughter-in-law. She told that, how you became my daughter-in-law? तुम हमारी पुत्र वधु कैसे हो गई? हमारे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, ये तीन बच्चे. और नहीं, हम लोगों के कहने से हमारे पति लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश आए थे, किंतु तुमने अपने तपस्या से पति प्रताप से बल से इनको अपना बेटा बना दिया है. कृपा करके हमें भिक्षा में दीजिए हमें पतियों को. She told that who are you? They told that we are yours. Daughter-in-law. Oh, I don't know how you became my daughter-in-law because my sons are very little boys, orphan boy. How you became? Oh, we are the wife of Brahma, Vishnu and Mahesh. And we sent them to defame you and they went to you. And they asked that you should be naked and give something. But Anasuya made them his son. And now
they are sleeping here and in your cotton on your palanka. Then she began to smile. She told that there will be always my son. But in their original form, they will return as your husband. But in one form, this form, they will be always eternal my son. So they are eternal son. Brahma, Vishnu, Mahesh. In the form of Dattatreya, Chandrama, Moon, and Durvasa. After some time, the Durvasa came to this place. He knew that in Treta Yuga, Dwapar Yuga, Vishnu will come and play his sweet pastimes. So I must go there. So he came to this place as a Siddha place. Siddha place means? Perfect place. Perfect. Perfect. Siddha place. So I should go to Mathura and in Vrindavan. This place is under Mat Van, one of the principal Van of 12 Van. Mahatman. This is among Mahatman. So he came here in Sataju and he did a story, very hard story. Now Prem Prayojan will speak what was in Sataju and how he was defeated by one Grihastha Bhakta, a king like Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj. Guru Gaurachandra Yoradikaya Tadale Shukkaya Tadukkaya Namo Namo. So Srila Gurudev has instructed me to speak something about the pastime of the Vasa Rishi here in relationship to Ambarish Maharaj. So, in Satya Yuga, Ambarish Maharaj, who was a very great Vaishnava, used to live and do his bhajan just the other side of Yamuna. From here we can see the Mathura. So there he would do bhajan and worship his Ishtadev, maybe Mathuraj Krishna or Dwarkadish Krishna. He was a Grihastha Bhakta, but he was engaging all of his senses in the service of the Lord. Savaimana Krishna Padaravindayo, Vachamsi Vaikuntha Gunana Varnane. His mind was always thinking of the Lord. His words were always speaking the glories of the Lord. He engaged his hands in cleaning the temple, his feet undoing the parikrama, his nose in smelling the tulsi offered to the Lord, his sense of touch in touching the bodies of the devotees. In this way, all of his senses were constantly engaged in the angas of bhakti. He also used to follow very strictly the Akadasi Vrat. So it happened once that the day after Akadasi, very early in the morning, on the day of Dwadasi, then the Vasa Rishi, he came from his ashram here and he went over to the palace of Ambarish Maharaj. So when he arrived in the palace of Ambarish Maharaj, it was very early in the morning and the Paran time was coming close to an end. So he approached Ambarish Maharaj and Ambarish Maharaj thought, oh, a guest has come. And what kind of guest? A very elevated, very qualified, very wonderful Rishi. Durvasa Rishi has come here. So I must serve him. So he gave his pranam to Durvasa and said, oh sage, how can I serve you? Let me give you some water and something to eat. And Durvasa said, no, I have not yet finished my nitya kriya, my daily activities, anek and so many prayers that I perform in the morning. I have not taken my bath,
So first, I will go to the Yamuna and take bath, and when I return, then you can feed me. So after saying that, the Vasa Rishi, he left the palace of Ambarish Maharaj and went to take bath in the Yamuna. In the meantime, Ambarish Maharaj was forced into a dilemma. What was that? Now the time, the Paran time, the time for breaking the Ekadasi was coming to an end. And at the same time, a guest had come to his house. So according to Dharma, according to the principles of Varnashram Dharma and proper etiquettes, if a guest comes to your home, especially a very great guest like the Vasa Rishi, you must feed him first. You should not eat before he eats. So this is the rule of Dharma. But according to the vidhi, the regulations of bhakti, the paramarthic dharma, transcendental spiritual dharma, one must break Ekadasi within the Paran time. So, Ambarish Maharaj, he was now in a dilemma. Either he could follow the dharma of ordinary dharma of the general people, or he would have to choose to follow the paramarthic dharma. If he did not, if he took any paran, then it may be an offense to the Vasa Rishi according to the Lokic Dharma. But if he did not break the paran, then this would be an offense to Bhakti Devi. So under these circumstances, he had to break his Ekadasi. If the rules and regulations of the common people and ordinary dharma, if they come against, they come in opposition to bhakti, then they will have to be discarded. They will have to be given up. Because on no account, in no situation, should anyone ever commit any offense to Bhakti Devi. Because Bhakti Devi is the only wealth of any jiva. So, Ambarish Maharaj, he consulted with his ministers, and on their guidance, they advised him, because you have fasted completely on Ekadasi, there's no need to take any grain to break your Ekadasi. But rather, you can take a drop of Charanamrit. By taking Charanamrit, simultaneously, you will have observed the Paran, you will have broken your Ekadasi, and at the same time, it can be said that you have also fasted. You have not eaten before your guest. So, taking this advice from his ministers, Ambarish Maharaj, he took some drops of Charanamrit. At that time, the Vasa Rishi was taking bath in Yamuna. And because he's a great sage, and his knowledge, he's practically omniscient, he can know everything. He could understand that Ambarish Maharaj had taken something. When he realized this, he became very angry. What is this? This Ambarish Maharaj, he's an ignorant person, he's just a rotten grihastha, he doesn't know how to respect real rishis and real sages. I'll go and teach him a lesson. So in a very angry mood, then Devasa Muni, he went to the palace of Ambarish Maharaj and began to chastise him. What kind of religious principle is this? You have gone against all the religious principles. You do not know how to honor a guest. And for this very serious offense against me, then you will have to suffer. And then he took one matted lock from his hair. Removing one jat, he threw it on the ground, and immediately a very ferocious and terrible, frightening, fiery demon manifested there and ran very quickly to kill Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj, he is a pure Vaishnav, a pure devotee. A pure devotee is never afraid of anything, because his mind and heart are completely sheltered at the lotus feet of the Lord. Marovi Rakovi Joita Toa. You can kill me or you can save me. Do anything you like. Ami Nityadas Toadika. I am your eternal servant. My Lord, you have the right to do anything to me. This is the mood of a Vaishnav. So Ambarish Maharaj, he was not afraid when the fiery demon ran towards him to kill him. But rather, very peacefully, he stood with folded hands, ready to accept whatever mercy the Lord wanted to distribute to him. This is the mood of a devotee. Tate nukampam sushamikshamano bunjana evatmakritam vipakam
Ritvagapubhya Vidadan Namaste Jivetayo Mufti Pade Sadayavak. Brahmaji has said that, oh my lord, those devotees who very patiently wait for you to bestow your causeless mercy upon them, all the time accepting the reactions of their own past misdeeds, considering that whatever happens to me is my own fault, and while doing so, offering obeisances to you continually with their body, mind and words, for them, the liberation in the form of service at your lotus feet, it becomes their rightful inheritance. If any son is there and his father is very wealthy, the wealth of the father will come to the son. It is only a matter of time. There is nothing that he has to do. So in the same way, for a devotee who has such a mood, it is only a question of time before he attains the lotus feet of the Lord. So Ambarish Maharaj, whose heart was immersed in all of these moods, he stood patiently with folded hands as the demon ran towards him. But Krishna, the Supreme Lord, he cannot tolerate that his any calamity will fall upon his devotee. So immediately, the Sudarshan Chakra of Narayan appeared there, very effulgent, and killed that fiery demon. And having killed the fiery demon, Sudarshan Chakra then turned his attention upon Devasa Muni. When Devasa Muni saw that the chakra was coming towards him, then he did not think, Tate Nugaha Susamikshimano. He thought, uh-oh, how can I save my neck? So immediately he began to tremble and ran away. But as he was running away, the Sudarshan Chakra was very close behind him, and he could feel his back being scorched by the heat of Sudarshan. He was so afraid, and he ran. Where can I find help? Who can help me? He went to the abode of Brahmaji and said, oh Brahmaji, please help me. The Sudarshan has come. It is about to kill me. Brahmaji said, I am sorry, this is the Sudarshan of my lord Narayan. I have no power to help you. Then the Vasa Rishi, he ran to the abode, to Kailash of Lord Shiva, and said, oh Mahadev, please help me. Mahadev said, I am sorry, this is the Sudarshan Chakra of my Prabhu, Narayan. I have no power to help you. So then the Vasa Rishi thought, I'd better go to Narayan. So then the Vasa, he fled to the Vaikuntha Lok, to the planet of Narayan. He's so powerful. And he fell at the feet of Narayan and said, oh my lord Narayan, your Sudarshan Chakra has come to kill me. Please help me. And what did Narayan say? Aham bhakta pradino hiyashyatantra ivajija sadhu vibhastaridayo bhakta bhakta jana priya. Oh my dear Brahmin. Narayan was so respectful to Devasa. Said, oh my dear Brahmin, aham bhakta pradino hiyashyatantra ivajija. I am not independent. You are asking me to do this, but I am not independent. I am completely under the control of my devotees. Sadhu-bhigrastaridhayo. Those sadhus, they have occupied my heart from top to bottom, and therefore I have no independence. Bhakta-bhakta-janapriya. What to speak of my devotees? Even the devotees of my devotees, they are so dear to me. So I cannot help you. Then Narayan said, Sadhavo ridhyam mayam sadhunam ridhyam taham madanyat te najananti naham te vyomanagapi. The sadhus, they are so dear to me. The sadhus, they are my very heart. Sadhunam ridhyam taham. And I am also the heart of my sadhus. My sadhus, they don't know anything but me. And I also don't know anything but them. Hearing this, the Vasa Rishi was astonished. He had not realized, oh, Vaishnavas are so great. I thought he was an offender. I thought he was a rotten grihastha. I thought he was nothing. I thought I was doing so many austerities, but he's like an enjoyer. But now I'm seeing the real glories of a devotee. So then Narayan said, you will have to go and beg forgiveness from Ambarish Maharaj. So then the Vasa Rishi, he did that thing which he did not want to do. And just go and apologize. But looking up the courage, he returned here to Mathura and entered the palace of Ambarish Maharaj and fell at his feet. Oh Ambarish Maharaj! Oh Ambarish Maharaj! Please save me! The Sudarshan Chakra is about to kill me. Ambarish Maharaj
was there in the palace. And upon seeing Devasa Rishi, he thought, oh, the great sage Devasa has returned. And he gave his dandavat to Devasa. Oh, Devasa Rishi, please accept my obeisances. He said, no, 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 you accept my obeisances. And please, help me, this chakra is about to kill me. So then, Ambarish Maharaj, he offered prayers to the Sudarshan chakra and requested him, please, don't bring any harm to Devasa, to my guest, Devasa Rishi. So then, Sudarshan chakra, he disappeared. And Devasa Rishi, he came to know that Ambarish Maharaj had not taken any prasadam during the entire time that he was being chased all over the universe. This was a period of 1 year. So, Ambarish Maharaj, he'd only taken one drop of Charanamrita, and for 1 year he had fasted, because his guest who had promised to return had not yet returned. Now his guest had returned, then he received his guest and wanted to feed him without himself taking. He wanted to feed Devasa. When Devasa Rishi saw this, he called out, alas, alas, how wonderful! Today, I am so fortunate. Why? Because I have come to see the greatness of a Vaishnava. How Vaishnavas are so great. Even if someone commits offense against them, even if someone wishes ill for them, they never wish ill against that person, but rather they always desire the benefits, they always desire auspiciousness and welfare, even in the lives of their enemies. How great are the Vaishnavas! By their bhakti, they have controlled the heart of the Supreme Personality of Godhead. I have done so many austerities and have attained such mystic powers. But I am like a straw in the presence of Ambarish Maharaj. For those Vaishnavas who have controlled the heart of the Lord, what remains for them to attain? They have attained everything. They are so great. So then, Ambarish Maharaj, he forced Devasa Rishi, oh my guest, please eat, eat, you should take. And Devasa said, yes, and you should also take. And they took prasadam, and then Devasa Rishi gave his pranam to Ambarish Maharaj. And he thought, I will never, ever commit offense to Vaishnavas again, but rather, I will travel throughout the world and glorify them. So, from this pastime, there are very wonderful lessons for us to learn. First of all, the Vaishnava, apparently, he may be Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. He may be Vaishya, Shudra, Kshatriya, or Brahman, he may be Chandala, whatever he may be, these external considerations, they are not important. Vaishnava is always transcendental. Acharya Vishnu Shiladi Guru Shu Narapati. Vaishnava Jati Buddhi. Anyone who thinks that a Vaishnava belongs to any caste or creed, then he is an offender. He is a resident of hell. He is a hellish person. And in addition to this, one can also see, what is the glory of bhakti? Devasa Rishi is a great yogi. He has done so many austerities. He has so many mystic powers. But he cannot be compared to a simple Vaishnav who is just hearing, chanting, remembering, cleaning the temple and following Akadasi Brat. Also from this pastime we see that the power of Akadasi, that the following of Akadasi is so important and so powerful. It cannot be compared to all of the austerities of great yogis, even such as Devasa Rishi. So Devasa Rishi, he's very famous. His pastimes have been narrated in the Ramayana. His pastimes have been narrated in Mahabharata and in the Puranas. He is famous throughout the three worlds. And so it is a very fortunate thing for the three worlds that his ashram has fallen into the hands of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. For now, all the so many yogis, tapasvis, Shivites, and followers of Purans and Ramayana, they will come here, and when they come here, they will receive the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Guru Premanande! I'm going to give a very small glorification and history of Durvasa ji. एक समय गोपियां देखा जी दुर्वासा जी अपने आश्रम में है यहाँ पर और उस समय बड़ी भयंकर बाढ़ आई हुई थी. उस बाढ़ में
हाथी भी यदि चला जाए तो वो डूब करके मर जाएगा, एक तिनका भी दो टुकड़े हो जाएंगे इतनी जोर से। आप लोग अभी आज से 10-15 वर्ष पहले जो भयंकर बाढ़ आई थी उसको याद रखे होंगे। उस समय में मथुरा में भी विश्राम घाट पर करीब करीब 15 फुट पानी ऊपर में चढ़ गया था, तिलक दरवाजे पर पानी पहुंच गया था। उससे भी भयंकर बाढ़ उस समय में आई हुई थी। गोपियों ने संकल्प किया था कि कार्तिक के महीने में हम दुर्वासा ऋषि को भोजन कराएंगे, इसलिए पूर्णिमा के दिन में वो दुर्वासा जी को भोजन कराना चाहती थी, किंतु कोई भी नाविक प्रस्तुत नहीं हुआ कि हम उस पार से इस पार गोपियों को कर देंगे। हजारों गोपियां थालों में अन्न सजा करके पूरे पकवान राबड़ी कचौड़ी सभी कुछ प्रस्तुत करके और रख रही है, किंतु कोई भी नाविक आ नहीं रहा। कृष्ण को उन लोगों ने देखा कि कृष्ण वही घाट के ऊपर खड़े हैं। उस समय गोपियों ने कहा हमारी इच्छा थी, हमने संकल्प किया था कि आज दुर्वासा जी को हम लोग पूर्णिमा है कार्तिक की पूर्णिमा, अभी कल गई है ना कि परसों कली की पूर्णिमा के दिन ना? तो वो लोग सभी लोग थाल में लेकर के दुर्वासा जी को खिलाएंगे और मनमाना बढ़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने संकल्प किया था। किंतु जाने का कोई उपाय नहीं। उसी समय में कृष्ण को देखा, कृष्ण ने मुस्कुरा करके पूछा ये तुम लोग क्या चाहती हो? तो हम लोग उस पार जाना चाहते हैं दुर्वासा जी के आश्रम में, किंतु बाढ़ के कारण हम नहीं जा सकते, इसलिए कृपया आप कोई उपाय किए जैसे हम लोग जाए। कृष्ण कोई भी बात नहीं है, तुम कहना जमुना जी से। जमुने यदि कृष्ण ने बचपन से लेकर का आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो, किसी स्त्री के पास में नहीं गए हो, किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, तो इसके प्रभाव से हम लोग यमुना में के ऊपर में चलते हुए पैदल लेकर के चले जाएं। तो वो हंसने लगी किंतु कुछ बोली नहीं और यमुना के किनारे आकर के बोली हे यमुने, यदि कृष्ण ने आज तक कभी स्त्री को नहीं देखा, स्पर्श नहीं किया और किसी स्त्री का संग नहीं किया तो आप हमें पथ दे दीजिए। इतना कहते ही आपका करके चल पड़ी और बाढ़ में भयंकर तीव्र धारा है उसी में पैदल चलने लगी और चलते 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 इस पार में आई। तो ये तो अद्भुत है कृष्ण, इसमें ये तो प्रभाव है। इसके बाद में दुर्वासा जी के सामने आई और सारी भोग की थालियां हजारों मन पकवान के सामने रख दिए और उसे कहा ये आप प्रभु आप इनका भोग लगाइए। दुर्वासा जी ने मिनटों में दोनों हाथों से गपागप सब खा लिया। कभी अभी हमारा पेट भरा नहीं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपका पेट तो बहुत लंबा चौड़ा ये भरेगा नहीं, आप कृपया करके इसी में ही प्रसन्न हो जाए कह जाए एवं मस्त। इसके बाद में उन्होंने कहा कि अब हम लौटे कैसे। दुर्वासा जी ने उनको मनमानी भर दिया। इसके बाद में वो लौटे कैसे भीड़ में पानी में। उन्होंने कहा कि तुम लोग आई कैसे, तो कृष्ण ने ऐसा कहा कि जब हमने स्त्री का कोई मुख नहीं देखा है, स्त्री का संग नहीं किया है, तो हमारे नाम से ये जमुना जी तुमको रास्ता दे देंगे। ठीक है तुम लोग जाओ। और जमुना से कहना जे जमुने, यदि दुर्वासा ने जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया और कभी भी अन्न छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं, मालपुआ राबड़ी और कचौड़ी की तो बात ही क्या, कभी कुछ नहीं खाया, तो आप कृपा करके हमें एक मिनट ठहरो। तो आप कृपा कर हमें पद दे दे, हम जैसे आई थी पैदल चल करके चली जाए। और इतना करके चल पड़ी। जब चल पड़ी तो देखा कि सचमुच को पैदल ही चली जा रही और उस पार में पहुंच गई। कोई नौका की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। जब वहां पर पहुंची तो कृष्ण मुस्कुराते हुए मिले। इन्होंने कहा अरे धूर्त, तुमने तो जसोदा जी के गर्भ से जन्म लिया, काका जी छुआ नहीं, तो जसोदा जी से तुम्हारा जन्म हुआ तो छुआ कि नहीं? दूसरी बात, बचपन में पुतना आई तो तू उसने छुआ कि नहीं, उसके गोदी में गया तो तुमने कहा जो कभी नहीं किया? और गोपियों का कपड़ा लेकर के चीर घाट में कौन कदम के ऊपर में चढ़ गया
और अभी हाल ही में कोटि गोपियों के साथ में रास किया, ब्रह्मा की एक रात्रि लाखों बरस गोपियों के साथ में रास किया, बिना तुम स्त्री का रह नहीं सकता। अरे और तो क्या, पीछे से भी स्त्री के बिना नहीं रह सकते, इसलिए द्वारका पर में 16,100 स्त्रियों के साथ में शादी की, और सब स्त्रियों से उनके कितने कितने बच्चे हुए, 16,108 में से एक एक स्त्रियों को 10-10 बच्चा पैदा हुआ और एक एक लड़की, और उनके लाखों करोड़ों उनके संतान पैदा हुई। और फिर भी कहता है तू, जैसे हमने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा, स्पर्श नहीं किया, और तुम्हारे गुरु घंटाल जी जो दुर्वासा जी हैं, वो ऐसे ही हमारे सारों हजारों मन राबड़ी पुआ पकवान मिष्ठान में चावल दाल सभी कुछ हड़प गए, और फिर भी कहते हैं जो मैंने सारा जीवन में कुछ नहीं खाया। अरे हम तुमको प्रति वर्ष में ये कार्तिक पूर्णिमा में जाकर के खिलाती हैं, खाता है, और वो कहता है जो मैंने कुछ नहीं खाया। अरे अपनी मैया का बेटा होकर के जब आया तो उसका दूध तो पिया हुआ कि नहीं पिया होगा, और उसका नाम है दुर्वासा। दुर्वासा माने क्या, दुर्व घास को खाने वाले को आस माने संस्कृत भाषा में होता है आस शब्द खाना, जो दुर्वा का रस सब समय पीता है। दुर्वा के रस में इतनी शक्ति है कि दूध में भी नहीं है, लोग जानते नहीं है, बड़े बड़े रोगों में इसका दवा के लिए इसका व्यवहार करते हैं। दुर्वा घाट कोई रोग हो, दुर्बलता हो, दुर्व घास को पीस करके रस छान करके पियो, देखो इससे सॉलिड कोई भोजन नहीं, और ये खाता और खाता है मैंने कुछ नहीं खाया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा देखो संसार में हमारा भोक्ता का अभिमान नहीं है, हम कुछ भी नहीं खाते, दुर्वासा जी कुछ नहीं खाते, हमारा भजन करते हैं, वो देखते हैं कि हमारा शरीर ही ये शरीर नहीं, भोजन तक करता ये स्थूल शरीर, उनका चिन्मय शरीर कैसे खाएंगे वो इसलिए वो कुछ नहीं खाते, भोक्ता का मैंने मैं खाने वाला हूँ। हमसे एक आदमी ने पूछा महाराज जी आप कब भोजन करते हैं, मैं आपको ठीक 12 बजे प्रसाद दूं। मैंने कहा जो जीवन में मैंने कुछ नहीं खाया, आप खाते नहीं है रोज। अरे भैया मैं खाता नहीं हूँ, मैं प्रसाद की सेवा करता हूँ, इस चीज को समझो, वी डोंट ईट एनीथिंग, वी ऑलवेज सर्व, महाप्रसाद सर्विंग, हरिनाम संकीर्तन सर्विंग, वैष्णव सर्विंग, भागवत सर्विंग, नॉट इंटरेस्टिंग एनीथिंग। सो दुर्वासा जी का ऐसा कर्ता का भाव नहीं है, इसलिए कर्मण्य व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं किसी का है, किंतु जो फल में आशा करता वो बंधन में हो जाता है। इसलिए हम लोग सारे लोग बंधन में है, जो खाते हैं पीते हैं करते हैं सब ये बंधन में, इसलिए दुर्वासा जी ना तो खाते हैं, और हमने हमारा कभी स्त्री दर्शन ही नहीं हुआ, ये स्त्रियां हैं मैं उसका भोगता हूँ, कभी अभिमान नहीं रहा, हम तो शक्ति के रूप में इनको दर्शन करते हैं, ये हमारी शक्तियां पावर हैं, इसलिए मैं भी कुछ स्त्रियों का कभी स्पर्श ही नहीं किया। ये सुनकर के गोपियां आश्चर्यचकित तत्व ज्ञान सुन, ओ आप हमारे तत्व ज्ञान के गुरु, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इस तरह से गोपियों को यहाँ पर किस प्रकार से आए और दुर्वासा का चरित्र है, और इनके हजारों चरित्र है, समय का अभी अभाव, अभी हम लोग कीर्तन करते हुए ठाकुर जी का भी दर्शन कराएंगे, आप लोग वहाँ दर्शन करेंगे, उनका भोग राग और अभिषेक हो गया है, इनका चरणामृत दिया जाएगा, आप लोग उसे ग्रहण करके, और फिर धीरे धीरे हम लोग प्रसाद से मान करेंगे, गाँव के लोग पत्ते देना उनको परोसना, हमारे ब्रह्मचारी भी रहेंगे, और गाँव के लोग को अब खबर दे दिया जाए कि सभी लोग यहाँ के उपस्थित हों, और प्रसाद अब दिया जाएगा, पहले इन लोगों को यहाँ पर लाइन दे करके बैठा करके खिला देना, और इसके बाद में कितने यहाँ पर आए कोई भूखा नहीं लौटे, सब लोगों का आतिथ्य सत्कार करते हुए, जैसे दुर्वासा जी है लाखों करोड़ों आ जाए उनको ऐसे छु मंत्र में ही खिला दे। इन्होंने राधा जी को इन्होंने ही बर दिया था, दुर्वासा ऋषि हैज गिवन बोन टू ऑल्सो श्रीमती राधिका दैट इफ यू विल कुक एनीथिंग इट विल बी मोर डेलिशियस मोर स्वीट देन इवन देन नेक्टर। राधा जी जो कुछ पकाएंगी वो अमृत से बढ़कर के होगा, और उसका पति सब समय वो स्त्री पड़ी सुहागिन रहेगी,
ऐसे ऐसे दुर्वासा जी के लीलाएं हैं, अभी समय नहीं है, नहीं तो इसके संबंध में मैं बोलता। आगे हम लोग पीछे देखेंगे, शाम को वहाँ पर मथुरा में। आज यही तक हम संपन्न करते हैं और अभी हम लोग कीर्तन करते हुए जाएंगे और उनका भोग आरती का कीर्तन कर दो और कीर्तन करके सबको दर्शन करा करके और सबके यहाँ पर भंडारा हम लोग संपन्न करेंगे। और कौन है कोई दृष्टि वाले तो आ जाए। लालचंद, हाँ लालचंद जी आइए। महाराजा सिंह, महाराजा सिंह कहाँ है? गुलाब सिंह, श्याम सुंदर जी, पंडित जी, आप लोग सभी आ जाइए। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में ये बतलाना चाहता हूँ, ये दुर्वासा का स्थान उपेक्षित हो गया था, उसके महंत ये सामने आपके कृष्ण रामकृष्ण दास जी इसको कर रहे थे कि मंदिर भी टूट फूट गया था और भी तरह से इसमें गड़बड़ियां थी। तो गांव के कुछ लोगों ने हमारे बूढ़े बाबा नाम क्या शंभू सिंह जी और उनके भैया जितने भाई लोग हैं हमारे श्याम सुंदर जी हैं और मुझे नाम उनका प्रेम सिंह है, गुलाब सिंह है, इन सब लोगों हमारे पास में पहुंचे, विशेष करके ये बूढ़े बाबा शंभू सिंह जी, श्याम सुंदर जी और वो मोटा वाला लड़का वहाँ का मथुरा वाला प्रदीप जी, ये हमारे पास में गए, 10 बार गए, 15 बार गए। दे वेंट टू मी दिस ओल्ड पर्सन अबाउट 10 times एंड रिक्वेस्टेड मी दैट यू शुड टेक दिस टेम्पल एंड यू शुड अरेंज एंड यू शुड मैरेज ऑल दिस थिंग्स। आई टोल्ड दैट आई कैन नॉट डू, आई हैव कम टू डू भजन, नॉट टू बिल्ड सो मेनी बिग टेम्पल्स। 2 years they requested me, 2 वर्षों तक उन्होंने हमारे पास में रिक्वेस्ट किया कि तो हमने नहीं लिया, अंत में उन्होंने जोर करके हमारे नाम से रजिस्ट्री करा दिया और हमको अपना जो अधिकार था महंत जी ने हमारा अपना अधिकार दे दिया और इन गांव वालों ने भी अब जो ट्रस्ट बनाया था वो ट्रस्ट के अनुसार में हमको हमारी गौड़ीय वेदांत समिति को ट्रस्ट उन्होंने दे दी। तत्पश्चात फिर मेरी इच्छा नहीं होने पर भी इसमें लगा और आज भगवान की कृपा से सुंदर सुरम्य ब्रज में एक अनूठा मंदिर, दिव्य मंदिर बना है यहाँ पर। आज विश्व के सभी लोग यहाँ पर आते हैं और आफ्टर दैट व्हेन दे रजिस्टर्ड बाय डॉक्यूमेंट आई टूक एंड बिगन टू मैनेज। आई अपील टू यू ऑल एंड अ लिटिल लिटिल डोनेशन बट वेरी बिग टेम्पल, वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल हैज बीन मेड। आई वॉन्टेड टू डू प्रतिष्ठा, मैं इसकी प्रतीक्षा करना चाहता था 7, 8 और 9 तारीख को 3 दिन के लिए, किंतु हमारा मंदिर में मंदिर तैयार नहीं हुआ, सिंहासन तैयार नहीं हुआ, ये नाट्य मंच यहाँ पर अभिनय मंच तैयार नहीं हुआ, बहुत सब काम बाकी, इसलिए बाध्य होकर के हमको छोड़ देना पड़ा विग्रह प्रतिष्ठा का दिन। आई वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश दिस विग्रह इन द टेम्पल बट माई सिंहासन वॉज नॉट रेडी, नोट वॉज नॉट रेडी, ऑल्सो सो मेनी वर्क अपेयर हाफ डन हाफ नॉट डन, ऑल्सो द मिस्ट्रीज फ्रॉम बेंगाल नाउ टूडे दे हैव कम, आई वॉज रिक्वेस्टिंग देम टू कम। मैं बंगाल के मिस्त्रियों को भी जो चित्रकारी की है उनको भी बुलाया किन्तु समय पर नहीं आ सके, इसलिए बाध्य होकर के अपना प्रोग्राम बंद कर देना पड़ा। आई वॉज क्या बात देता फोर्स इम्पेल्ड आई वॉज बाउंड टू स्टॉप एंड दैट इज वाई टूडे यू विल सी नाउ द डिटीज हाउ ब्यूटीफुल मार्वलस दे आर, कितनी सुंदर मूर्तियां आप लोग देखेंगे। अभी शंकर जी की अभी बनाना है यहाँ, हनुमान जी जो यहाँ के हैं उनको बैठाएंगे, अभी दुर्वासा जी को अभी नया बनाना है उनको,
अभी अंगराग करके ऐसे हो जाएंगे मानो जैसे और नए विग्रह हैं, ऐसे विग्रह के रूप में उनको सुंदर रूप में अभिषेक स्नान करा करके, बहुत दिनों से उन्होंने स्नान नहीं किया, उन्हें स्नान कराएंगे। उनकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी, छटवा करके थोड़ा सा ठीक करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे प्रभु अपना रूप मत दिखलाएंगे, किंतु हमारे मंदिर बनाने में जो गड़बड़ी करेगा उसे चार हाथ कर लेंगे, उनको दिखला देंगे, कोई यदि कोई करेगा हम विघ्न बाधा देगा तो हमारे लिए कोई बात नहीं, हम तो चले जाएंगे, किंतु दुर्गा शाह सह नहीं सकेंगे, वो एक मिनट में भस्म खुद कर देंगे। इसलिए खूब सावधानी के साथ में हमारे इस काम में गांव वाले सब लोग सहयोग करें, जैसा कि अब तक सहयोग किया है ने? और हम लोग अभी समय दे करके फिर एक दिन अक्षय तीज को जो आने वाली है, जिस दिन हमने मंदिर आरंभ किया था उस दिन ये हम अपना परामर्श करके जब हमारा मंदिर पूरा हो जाएगा उस समय वो अभिषेक करेंगे और हजारों लोगों को यहाँ को बुलाएंगे, बड़े बड़े साधु संत आएंगे, बड़े बड़े राजनीतिक के लोग भी आ सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आडवाणी जी आने के लिए प्रस्तुत थे, यहाँ पर अटल बिहारी को कहता तो वो भी आ जाते, यहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने वचन दिया था जी हम आएंगे, किंतु तो हम किसी को बुला नहीं सके, इसलिए उस समय में देखेंगे। ये तो हम राजनीतिक पर्चे में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी, वो लोग दूर ही रहे तो अच्छा, इसलिए हम नहीं बुलाना चाहते हैं, तब अपने आप बिना बुलाया आ जाएंगे तो उनका हम सबका स्वागत करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पीछे देख निर्धारित करके करेंगे। आज यहीं तक हम अपना ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं, अभी ठाकुर जी का पट विग्रह खुलेगा, भोग लग गया है और आप लोग ठाकुर जी का दर्शन करके, गांव वालों से हमारा विनीत निवेदन है कि बाहर से जो लोग आएंगे आ रहे हैं वो अतिथि हमारे हैं, दूसरे गांव से भी लोग आ सकते हैं, अभी अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं, ग्राम वाले भी को कह दिया जाए, खबर दिया जाए, ये आप लोग संवाद दे दीजिए वो लोग आ जाए, पहले इन अतिथियों को आप लोग प्रसाद पला करके सबको यथायोग्य सम्मान दे करके, भले ही शाम हो जाए कोई बात नहीं, मैं किंतु चाहूंगा कि आप लोग हमें परमिशन, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं पहली पंक्ति दे करके और मैं मथुरा जाऊंगा, वहां पर आज एक बड़ी सभा शंकराचार्य द्वारा की हो रही है, मैंने मना किया था कि मैं नहीं जाना चाहता, किंतु वहां के जितने प्रबंधक आ करके पैर पकड़ने लगे कि महाराज आपकी और स्थिति जरूर हुई है, इसलिए वहां पर यदि हो सकेगा मुझे 4 बजे जाना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेता हूँ। आप लोग सभी देख सुन करके कोई यहाँ से बिना खाए पिए प्रसाद लिए हुए लौटे, गौ प्रमाण कीर्तन करते करते चलते, वी शुड गो इन फ्रंट ऑफ ठाकुर। Yeah.
जब नाशक ही है, वो उधर में है और इधर में है शंकर जी और पार्वती है, पीछे मंदिर में ले जाए जाए। आप लोग दर्शन करके कुछ कुछ भेंट जरूर देंगे, आप बिना भेंट का दर्शन करेंगे तो फल नहीं होगा। You get up! You get up! You get up!
Thank you.